नमस्कार साथियों, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं और वो विषय है कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत इनका क्या अर्थ होता है। आपने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के बारे में बहुत पढ़ा है, इनका इतिहास पढ़ा है कि इनको किसने लिखा, इनको कब लिखा गया, कब भारतीय संविधान में इनको जोड़ा गया। आज हम इन मुद्दों पर बात नहीं करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में फर्क क्या है। जो हमारा राष्ट्रगान है जनगण मन, क्या हम उसको राष्ट्रगीत कह सकते हैं, और क्या वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है उसको हम राष्ट्रगान कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि इनका जो शाब्दिक अर्थ है वो अलग है। राष्ट्रगान जो कि हमारा जनगण मन है, आप जब उसको गाओगे तो आपको पता चलेगा जहां से शुरू होता है कि पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, पूरे उत्तर भारत से शुरू होकर दक्षिण तक चले गए महाराष्ट्र तक, द्रविड़, उत्कल, बंग, अगर आप ऊपर जाओगे फिर आप बंगाल तक पहुंच गए, फिर आप के विंध्याचल का जिक्र आता है, ऊपर हिमालय का जिक्र आता है, यमुना गंगा का जिक्र आता है। इस प्रकार आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो राष्ट्रगान है हमारा उसमें पूरे भारत की जो भौगोलिक स्थिति है उसकी चर्चा हो रही है। यानी कि राष्ट्रगान वो होगा जिसमें देश की भौगोलिक जो स्थिति है, देश में क्या क्या प्रमुख चीजें हैं भौगोलिक रूप से, उन सब की बातें होगी। और वहीं दूसरी ओर राष्ट्रगीत है। राष्ट्रगीत एक प्रेम, एक श्रद्धा और एक भावनात्मक गीत है। जब भी राष्ट्रगीत की बात होगी तब हम अपने देश की, जिसको हम माता मान सकते हैं, ईश्वर मान सकते हैं, प्रभु मान सकते हैं, उसकी हम स्तुति कर रहे होंगे। और हमारे देश के रहने वाले जो लोग हैं उनके साथ हम प्रेम से, उनके साथ भाईचारे के साथ रहने की हम बात कर रहे होंगे। तो राष्ट्रगीत एक भावनात्मक तत्व है, जबकि राष्ट्रगान है वो भौगोलिक तत्व है। मेरी बात आप तक पहुंची होगी, आपको समझ में आई होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूं। राष्ट्रगान का जब भी जिक्र होगा भौगोलिक बात होगी देश की, और जब भी राष्ट्रगीत की बात होगी तब देश की स्तुति होगी, देश की, देश का वंदना होगी। तो साथियों, यही आज आपसे बात करनी थी, और उम्मीद करूंगा कि ये जो जानकारी है, बहुत कम जगह मैंने देखी है, YouTube पे भी एक दो कोई रेयर बहुत विद्वान लोग हैं जिन्होंने इस बारे में बात की है, अदरवाइज राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में अंतर क्या है उसका जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो केवल राष्ट्रगान की हिस्ट्री बता दी जाती है और राष्ट्रगीत की जो हिस्ट्री है, इतिहास है, वो बता दिया जाता है। ये नहीं बताया जाता कि इन दोनों का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, पहली बार मुझे सुन रहे हो, देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाले समय में जो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आएगी वो भी आप तक तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद।